जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के भतीजे मुकेश पांडे ने हथुआ जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। बता दें कि मुकेश पांडे बीते साल हथुआ थाना इलाके के रूपनचक गांव में हुए जेपी यादव ट्रिपल मर्डर केस मामले में आरोपी है, जो फिलहाल जेल में बंद है। नामांकन के लिए गोपालगंज कोर्ट में पेरोल के लिए आवेदन दिया गया था, फिर उसके बाद गोपालगंज कोर्ट द्वारा मुकेश पांडे को नामांकन के लिए एक दिन की पेरोल मिली थी। कोर्ट से पेरोल मिलने के बाद हथुआ के राज पेट्रोलियम से नामांकन का आयोजन किया गया था। इस दौरान भारी समर्थकों के बीच निवर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। क्षेत्र संख्या 18 के कर्मठ एवं युवा उम्मीदवार सुयोग्य श्री मुकेश पांडे जी का आज नामांकन हुआ और उसमें पूरे जिले से जो भी उनको चाहने वाले लोग हैं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, सारे लोगों ने आया। नॉमिनेशन में सब लोगों ने उनको आशीर्वाद दिया और जो विकास की जो चर्चा क्षेत्र संख्या 18 में होती है, केवल हम लोग विकास की बात करेंगे और विकास पे चुनाव हम लोग जीतेंगे। जो अधूरा सपना रह गया है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 का, उसे हम लोग पूरा करने का